बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी रेसिपी। जैसे आपने आज तक चिकन की कढ़ाई खाई होगी, गोश्त की कढ़ाई खाई होगी, लेकिन मैं लेकर आई हूँ चिप्स की कढ़ाई एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया कुछ टोमेटोज, अनियन, सॉल्ट, पेपर एंड फ्रेश धनिया, ठीक है। इसके अलावा फ्राइज जो हैं वो मैंने आलू लेके, जैसे हम नॉर्मली चिप्स बनाते हैं बच्चों के लिए फ्राइज बनाते हैं, 5-6 आलू लेके मैंने कट करके फ्राइज को रेडी कर लिया। इसकी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 कप ऑयल, या आप अगर कम लेना चाहते हैं ज्यादा लेना चाहते हैं, एक कढ़ाई में मैंने इसको डाल लिया है, ठीक है। और सबसे पहली चीज जो मेरी इसमें जाएगी वो है प्याज, जो कि मैंने लिया है 3, ठीक है, मीडियम साइज के 3 मैंने लिए हैं। अगर आपको कम या ज्यादा करने हो तो इट्स योर चॉइस। तो यहाँ मैंने इसको 2-3 मिनट्स के लिए जो है वो कुक कर लिया, लेकिन इसको आपने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए थोड़ा सा उसी टाइम पे आपने जो है इसके अंदर टोमेटोज ऐड कर देने। यहाँ मैंने लिए हैं 5-6 टोमेटो छोटे साइज के, ठीक है, अगर आपके बड़े हो तो फिर आप 4 या 5 ही ले सकते हैं। चलिए टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए ग्रीन चिलीज, और साथ में यहीं पे हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट जो कि है 1 टीस्पून। यहाँ पे अभी तक मेरा फ्लेम जो है वो हाई है, उसको हाई फ्लेम पे मैंने स्टर किया और थोड़ा सा इसको हम करके, ठीक है, इस टाइम पे आफ्टर 5-6 मिनट्स इसको हम थोड़ा सा मीडियम हीट पे करके और लिड से कवर कर देंगे फॉर 5-10 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5-6 मिनट्स के बाद इसकी ये सिचुएशन है, और ये टमाटर यहाँ पे अच्छे से भून भी चुके हैं और ये ऑयल भी ऊपर ऊपर आ चुके, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइम जब हम अपने इसमें फ्राइज को ऐड करेंगे। ये फ्राइज मैंने बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया था जस्ट टू गिव इट अ वेरी गुड टेस्ट, और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चिप्स की कढ़ाई हो गई रेडी। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आप खुद भी इसको ट्राई करें और अपने अजीजों को भी खिलाएं। तो चलें जी मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।